हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो सीयूईटी मैथ्स 2024 में लेक्चर 3 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और यहां पर हम आपके एग्ज़ाम बेस्ड सैम्पल पेपर आपके लिए करने जाएंगे। सो सभी जुड़ चुके हमारे सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम करेंगे सैम्पल पेपर। ओके, सीयूईटी 2024 को ध्यान में रखते हुए और ये फुल्ली सॉल्व यहाँ पर मैं कराऊँगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सैंपल पेपर। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन के देन, तो क्या होगा? देखिए बहुत ही सिंपल ऑप्शंस है इसमें आपके पास। अगर जो है डायरेक्शन कोसाइंस जो है आपकी लाइन की के हैं, देन क्या कर सकते हैं आप, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन के फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी बताने जैसा नहीं है, तो कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, सो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो भाई इतना ईजी क्वेश्चन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा के इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाई टू। ओके, सिंपल मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखिए वो इजी क्वेश्चंस में अपन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अपन ज़्यादा टाइम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा दीज लाइंस आर कोलिनियर। ओके, तो क्या करेंगे आपको करना क्या ऐसे क्वेश्चन में, कि कह रहा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो आपकी लाइन है ये कोलिनियर होगी। ओके, लैम्डा की, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा द पॉइंट्स, आपके पास पॉइंट दिए गए हैं कि ये जो होंगे कोलिनियर देंगे। तो क्या करेंगे आप, तीन पॉइंट ले लीजिए, आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ओके, सबसे पहले आप ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो कैसे करोगे, वन माइनस टू माइनस वन, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन। ओके, यस, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ गए। ए बी के कितना आया, माइनस वन माइनस फाइव माइनस सेवन। ए सी का डायरेक्शन उस कितना आ गया आपके पास, लैम्डा माइनस टू। ओके, और इसके बाद में कितना हो गया, ये फाइव हो गया, लैम्डा माइनस टू फाइव और माइनस सेवन, ये आपके डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब कंडीशन लगा दीजिए, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो उससे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वेरी सिंपल। ओके, आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, देन एंगल मेड बाई द सेम लाइन विद द जेड। ओके, आपको बताना है कि एंगल क्या होगा आपको, जेड एक्स लाइन का जो है जेड एक्सिस के साथ एंगल। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन का यूज़ करके आप जो इसका एंगल निकाल सकते हैं। ओके, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन बाई फोर, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन बाई फोर मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस गामा इक्वल टू वन बाई टू, कॉस गामा इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन बाई फोर, मतलब कॉस ऑफ, इसको लिखेंगे हम लोग, कॉस ऑफ गामा इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई टू। ओके, तो देखिए प्लस माइनस वन बाई टू दो केसेस में होता है, एक 60 डिग्री में और एक 120 डिग्री में। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। ये आप चेक भी कर सकते हो कि जो इन पॉइंट से जा रही हो, तो माइनस थ्री प्लस थ्री हो गया ये, और माइनस फोर और माइनस इलेवन, तो और ओके, एंड डायरेक्शन रेशियो माइनस वन माइनस थ्री वन प्लस थ्री फोर, तो आप इसको सॉल्व कर लो। ओके, डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर लो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ओके, इससे आप कर सकते हो। एक तरीका और है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखिए। ओके, और तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग और सिंपलीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, सेकेंड वाला पार्ट इसका आंसर आ रहा है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस देन द वेक्टर इक्वेशन। भाई इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन आपको दिया है और इसका आपको निकालना है सिंपल इक्वेशन, सो दिस इज सो इजी, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन
है ना, तो आपको इसका सिमेट्रिकल फॉर्म निकालना है, मतलब कि इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो 3, 7 एंड -2 दिए ना, 3, 7 एंड -2, तो आप इससे यूज़ कर लो आप 3, 7 -2, 2 है, सो म्यू और किस पॉइंट से जा रही है, 5 -4, 6, तो 5i cap -4j cap + 6k cap, और ये ऐसा कर लेंगे आप आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सो सिंपल भाई, सी ऑप्शन दिख रहा सामने, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, तो भाई पॉइंट आपको दिए हैं 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 से ये पास हो रहा है और पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे, तो आंसर नंबर 1 क्लियर है इसका, सामने दिख रहा। नेक्स्ट है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई द लाइन AX + B Z = CY + D, तो Y को अकेले कर लो तो X - B अपॉन A बन जाएगा, Z - D अपॉन C बन जाएगा और Y अपॉन 1 बन जाएगा, है ना, तो आप इसका डायरेक्शन रेशियो क्या निकलेंगे, A, 1 एंड C। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाइन मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन। यार ये क्वेश्चन तो आपके 12th क्लास की बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या बताऊँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ±1/√3, 1/√3। द लाइन स्पेस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरल आर कॉल्ड स्क्यू लाइन, ये क्या होती हैं, स्क्यू लाइन, विषम तलीय रेखाएँ। ओके सो चलिए नेक्स्ट करते हैं, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन द स्पेस, क्या होता है एक्स एक्सिस में जो इक्वेशन होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स होता है, वाई भी जीरो होता है, जेड भी जीरो होता है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बनेगा, Y = 0 and Z = 0, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन, ठीक है, तो ये देखिए आपके पास में ये लाइन है और आपको यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है। ओके तो क्या करेंगे, इसके ऊपर पॉइंट एक लैम्डा सपोज कर लेंगे, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा लाइन के ऊपर, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, X - 6/3 = λ करोगे तो X = 3λ + 6 हो गया। दूसरा क्या बन गया आपके पास में, 3λ + 6 के बाद 2λ + 7 और तीसरा बन जाएगा -2λ + 7, ये पॉइंट्स बन जाएंगे आपके। अब क्योंकि ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो और ये लाइन है, किस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो, 1, 2, 3 से, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें इसका डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल सकते हैं और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज़ दिए गए हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने दिए गए हैं, देखिए 3, 2, -2, ठीक है ना, तो 3, 2, -2 डायरेक्शन रेशियोज़ दिए गए हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज़ कितने निकालोगे, पहले ये पॉइंट है एक और एक दूसरा पॉइंट ये है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे 3λ + 6 - 1 यानी 3λ + 5, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला आई होप सब लोग जानते हो, 2λ + 7 - 2 2λ + 6 हो गया एंड -2λ और -+7 - 3 मतलब -4, ठीक है ना। अब इसमें आप यूज़ करिए थ्योरम A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0, उससे आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके पॉइंट्स निकाल लेंगे और उन पॉइंट्स से आप ये जो डिस्टेंस करिए, तो ये क्वेश्चन आपको मैं एज अ होमवर्क देता हूँ, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, करके सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन X = Y + 2, तो भाई सबसे पहले देखो = 6Z - 6 एंड तीन लाइन यहाँ पे दी गई हैं, तो सबसे पहले आप इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, X/1 = Y + 2/1 और जे 6 कॉमन लेके Z - 1/1 तो 1/6 बन जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो कितने आ गए इसके, ये आ गए 1, 1, 1/6, ओके, और अगर आप 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन रेशियो कितने आ गए, 6, 6, 6 आ गए, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी लाइन जो है अपने पास में, तो पहली डायरेक्शन रेशियो अपने पास में कितना आ चुका है, 6i cap + 6j cap + k cap, बहुत बढ़िया। दूसरी लाइन हमारे पास है X + 1/1 = 2y/1 - 12z/1, तो इसको सॉल्व किया तो 1, 2, 12 का मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्शन रो किस रेशियो कितने आ गए, 12, 6 - 1, तो वेक्टर ये हो गया। ओके ओके
अब ये देखिए भाई साहब, तो दो लाइनें हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये देखो कि ये किस पॉइंट से जा रही हैं। तो दोनों लाइनें जो हैं, पहले वाले का पॉइंट ए वन कितना है, ए वन जो है वो है कितना, ये लिखा हुआ है जीरो आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, मतलब इस पॉइंट से जा रही है, ठीक ना। ये ए वन है आपका, ये वाला पॉइंट क्या है, ए वन जीरो आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, फर्स्ट लाइन है, क्योंकि ये देखो x में 0 है, y में माइनस टू है और z में कितना है, प्लस वन है। ये पहली लाइन a1 हो गया। और दूसरी लाइन जो है अपने पास वो किस पॉइंट से जा रही है, माइनस आई के प्लस जीरो जे के प्लस जीरो के कैप, क्योंकि इसमें केवल x बस में 1 है तो माइनस आई कैप हो गया। अब यार देखो b1 और b2 के पैरेलल होने के कोई चांस है क्या, बिल्कुल नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, d इक्वल टू a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2। तो सबसे पहले a2, ए वन माइनस ए टू या बी वन क्रॉस बी टू कुछ भी कर लो, तो मॉड में निकालना अपन को, ए वन माइनस ए टू निकाल दिया, बी वन क्रॉस बी टू निकाल दिया, ये बी वन क्रॉस बी टू आ गया, ऊपर आ गया ए वन माइनस ए टू और नीचे आ गया बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं किया है, सो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, ए वन माइनस ए टू डॉट बी वन क्रॉस बी टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो दोनों का आप यहां पर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और फाइनली बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा। और नीचे मॉड में मॉड ऑफ़ बी वन क्रॉस बी टू, तो बी वन क्रॉस बी टू का मॉड आपको इस चीज़ से निकालना पड़ेगा। ओके, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेंदी है। तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच एट डिस्टेंस अ नॉर्मल, यार सिंपल नॉर्मल इक्वेशन लिखना, कुछ भी नहीं है, घटिया क्वेश्चन एक नंबर का, खत्म कर दिया अपन ने। द लोकस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू जीरो, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू जीरो से किस चीज का लोकस रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है अपने पास, क्या यहाँ पर अपने पास कॉमन है, वाई, तो वाई कॉमन लिया, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो एक तो वाई इक्वल टू जीरो और दूसरा एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो। हाँ, तो y इक्वल टू जीरो और x प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ये क्या है भाई साहब, y इक्वल टू जीरो भी क्या है, 3D में एक प्लेन है, और x प्लस जेड इक्वल टू जीरो भी क्या है, 3D में एक प्लेन है। ओके, तो आंसर क्या होगा, अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन मीट सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट एक्सेस, सॉरी नॉट सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट एक्सेस एट पॉइंट ए बी सी, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल अल्फा बीटा गामा, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार अपन ने किया, इसका आंसर ही आता है, करने का तरीका मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, आई होप आप लोग से बन जाएगा, प्रैक्टिस करे हुए हो सब लोग, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, देख लो आप लोग, नहीं बने तो पूछो प्लीज़, सिंपल है यार, सबसे बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द वन टू थ्री एंड पैरेलल टू दिस, ओ माय गॉड, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार भाई। अब पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियोज तो यही रहेंगे, टू थ्री माइनस फोर, तो टू थ्री माइनस फोर देख लो, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, केवल इसी में टू थ्री माइनस फोर, और वन टू थ्री से जा रहा है ना। तो वैसे फार्मूला क्या होता है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, या तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो, दूसरा या तो ऑप्शन से चेक कर लो डाल करके, वन टू थ्री कौन कौन जा रहा है ना, तो वन टू थ्री चेक करके आपको पता चल जाएगा ऑप्शन से, ये देखिए ऑप्शन से भी आप पता कर सकते हैं, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्लेन्स दिस एंड दिस आर राइट एंगल देन द वैल्यू ऑफ के, तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो का कंसेप्ट लगा दीजिए, अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो पासिंग थ्रू द पॉइंट वन वन वन, कैसे करते हैं देखिए, इसका कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है प्लेन वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन टू इक्वल टू जीरो, तो ये प्लेन वन है प्लस लैम्डा टाइम ऑफ प्लेन टू इक्वल टू जीरो करके लैम्डा के टर्म्स में हमने इक्वेशन बना ली है, ये देखिए लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन बना ली है, वन प्लस, अब देखो एक्स वाई जेड किससे जा रहा, वन 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 से जा रहा, तो इसको वन 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 सेटिस्फाई कर दो, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री बाई फोर्टीन, और लैम्डा की वैल्यू वापस आकर के आप ऊपर रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप वन 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 से देख लो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है,
ओके, तो देखो ये जो है अपने पास में 26 और 20, ओके 46 और 23 69, और 69 माइनस 69 जीरो हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। अच्छा ये 26 23 ठीक ना, ये 23 हो गया है, ये 26 हो गया, अरे भाई देखने में समझ में आ रहा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अगर आप डायरेक्टली 111 पुट करके देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, यार इतना सिंपल क्वेश्चन, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू जीरो, बिल्कुल एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द पॉइंट 11P एंड 3-301B इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन दिस देन द वैल्यू ऑफ P। अब कह रहा भाई कि अगर ये दोनों ही इस प्लेन से इक्विडिस्टेंट है तो P की वैल्यू, तो भाई ये देखिए डायग्राम बहुत प्यारा बना हुआ है यहाँ पे, कि अगर ये मान लो पहला पॉइंट है मेरे पास, ये दूसरा पॉइंट है और दोनों की डिस्टेंस एक की डी है, इसके भी डिस्टेंस डी है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो क्या कंडीशन बनेगी? देखिए पहले जो फॉर्मूला होता है 11P तो 3×1 हो जाएगा प्लस 4×1, क्योंकि जो फार्मूला हुआ करता आप जानते हैं AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन अंडररूट A² प्लस B² प्लस C², ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर दिया हमने, देखिए 3×1 = 3, 4×1 = 4 और -12×P ठीक है ना, प्लस 13 और डिवाइड बाई अंडररूट A² B² प्लस C², तो मैं इसको कर देता हूँ, तो 3² = 9 प्लस 16 प्लस 144 जो कि कितना आ जाएगा, √169 आ जाएगा, ओके सो ये हो जाएगा 13, तो ये 13 हो गया, और इधर भी देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया माइनस का 12 और इधर पे प्लस का 13 डिवाइड बाई 13 ठीक है ना, तो मॉडुलस है दोनों तरफ। सो देखिए 20 - 12P इक्वल्स टू माइनस का मॉड 8 प्लस 8 आ जाएगा, सो 20 - 12P इक्वल्स टू एक बार प्लस 8 रख दो और एक बार माइनस 8 रख दो, तो P की वैल्यू 1 and 7/3, तो दो आंसर अपने पास आ रहे, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, 7/3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू टाइप का है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से टाइम दे के आराम से देखिए, है ना, ये थोड़ी सी नई टाइप की अप्रोच लगी इसमें। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि ये जो पार्ट है इस पार्ट में वेरिएबल P कंटेन करता है, यानी कि 20 - 12P का मॉड इक्वल्स टू -8 का मॉड, ओके तो ये भैया अब ये जो पार्ट है तो 20 - 12P जो है, अब ये तो 8 आ जाएगा, इधर मॉड लगा रहेगा, और जब भी मॉडुलस ब्रेक होगा, जैसे मैं आपको बता दूं मॉड x इक्वल्स टू a है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a आता है, इस वजह से आपका ये वहाँ पे क्या टूटेगा, प्लस माइनस a टूटेगा, इसलिए एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो दो वैल्यूज़ आपकी p की आएंगी और तब आपका आंसर आएगा, ओके सो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से सैम्पल पेपर लेकर के आएंगे, तब तक